विमान में सवार यात्री ने क्यों किया प्लेन हाईजैक का झूठा ट्वीट। एक ट्वीट से कैसे मचा जयपुर से दिल्ली तक हड़कंप। अब आप इसे किसी यात्री की शरारत कहिए या फिर ना समझिए, डर या कुछ और, लेकिन उसके एक ट्वीट ने जयपुर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। दरअसल जेट एयरवेज के विमान में यात्रा कर रहे नितिन वर्मा नाम के एक यात्री ने पीएम को एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में इस यात्री ने लिखा, सर हम पिछले 3 घंटे से जेट एयरवेज की फ्लाइट में हैं। ऐसा लगता है हाईजैक कर लिया गया है, प्लीज मदद करें। फिर क्या था, उसके ट्वीट करते ही जयपुर के सांगनेर एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। इसके बाद पीएमओ तुरंत हरकत में आया और एक्शन लिया गया, तमाम एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। खबर के मुताबिक जेट एयरवेज की फ्लाइट 9W355 करीब 150 यात्रियों को लेकर सुबह करीब 7 बजे मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन बोर्डिंग के बावजूद कुछ तकनीकी कारणों से फ्लाइट को मुंबई में ही रोके रखा गया और करीब 3 घंटे बाद इसे रवाना किया गया। उधर दिल्ली एयरपोर्ट व्यस्त होने की वजह से कई फ्लाइट्स को जयपुर डाइवर्ट किया गया और जिन विमानों को जयपुर की ओर डाइवर्ट किया गया उनमें एक विमान जेट एयरवेज का 9W355 भी था। जयपुर में विमान के लैंड करते ही सभी एजेंसियों ने विमान को चारों ओर से घेर लिया और विमान में सवार नितिन वर्मा नाम के उस यात्री को अपनी कस्टडी में ले लिया। CISF ने करीब 3 घंटे तक कड़ी पूछताछ के बाद उस शख्स को पुलिस को सौंप दिया। विमान की जांच के बाद उसे दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का रहने वाला ये शख्स गुरुग्राम में नौकरी करता है, लेकिन अपनी नासमझी के चलते काफी देर तक जयपुर से लेकर दिल्ली और मुंबई तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।